दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरुआत देखिएगा, चैनल पे नहीं चैनल को भी आज सब्सक्राइब कर लें। काफी दिन बाद अपने मिनी जू में आए हूँ। काफी बोर रहे थे कि भाई आप अपने मिनी जू की रूटीन क्यों नहीं बताते। दोस्तों, मिनी जू का अब ये हाल जो है ये बने हुए, फिर तो आपको याद होगा घास वगैरह यहाँ पर जो है काफी ज्यादा बड़ा हुआ था। तो अभी हमने ना यार यहाँ से घास वगैरह सारा काट लिए, ब्लॉक वगैरह भी अभी थोड़े से हमें और लेकर आने हैं। तो अभी कैजेस का काम हम यहाँ से कैजेस बनाना स्टार्ट करेंगे उस दीवार तक, और इधर से जो है उस दीवार वो सामने वाली दीवार तक, मतलब सारी जगह पर हमारे कैजेस वगैरह होंगे। तो दोस्तों, इंशाल्लाह रेत वगैरह भी अभी आ चुकी है, जो घास वगैरह यहाँ पर हमने काट के रखा हुआ तो सारा मैंने जला दिए। अभी यार वो वाले जो पत्थर है ना, पत्थरों को मैंने सोचा क्या है कि ये सारे हम जमीन के ऊपर नीचे बिछाएंगे, तो इससे ये होगा मतलब बाद सांप वगैरह चूहे वगैरह मतलब हमारे कोई भी मतलब ऐसी चीज़ हमारे बर्ड्स को जो है नुकसान वगैरह नहीं पहुँचा पाएगी। तो अभी यार यहाँ पर ना ये द्राक्ष वगैरह मैं लेकर आई हूँ, उसका मैंने सोचा क्या है कि हम इस तरह करेंगे कि हम कोई कैजेस वगैरह बना के उसके ऊपर मतलब अपने कैज के अंदर रख लेंगे, क्योंकि जो हमारे परिंदे वगैरह होते हैं मतलब इस तरह की जो द्राक्ष वगैरह होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो इस वजह से हमें लेकर आया था। तो अभी छड़े कैजेस वगैरह बनेंगे और उसको हम उसमें लगाएंगे। और पत्थर वगैरह यार काफ़ी ज़्यादा हमने लेकर आए हुए थे, शायद पहले से ही पड़े हुए हैं, तो अभी इनको भी हम ना नीचे बिछाएंगे बिछा देंगे, ताकि बाद मतलब नीचे मतलब ज़मीन मतलब ठीक तरह से रहे, कोई भी चीज़ ज़मीन से अंदर आके मतलब मरकेजेस वगैरह में आके बाट को नुकसान वगैरह ना पहुँचे नहीं पहुँचा सकेगी। वीडियो लगाता हूँ नीचे, आप भाई कमेंट वगैरह आए हुए होते हैं कि भाई आप ना एलिफेंट लेकर आएँ, एलिफेंट लेकर आएँ। दोस्तों, मैं आप सब भैया को बता दूँ कि यार एलिफेंट जो है पाकिस्तान में सिर्फ है कि वो भी अब शायद सूजी जो उसका नाम था वो भी शायद नहीं रहा पाकिस्तान में, जब जहाँ तक मुझे खबर मिली है। तो यार बस ये सीन बना हुए, अब समझ नहीं आ रही क्या करें। एलिफेंट का यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप सब भी बोलते रहते हैं भाई एलिफेंट लेकर आएँ, लेकिन यार आपके सामने जा रहा हमारे मिनी जू का काम मेरा चल रहे, तो इंशाल्लाह मिनी जू का काम मेरा ख़त्म हो जाए, उसके बाद जितना हमसे हो सका वो बोले बर्ड्स परिंदे जानवर वगैरह ला के हम अपने मिनी जू में रखेंगे। क्योंकि इस तरह की चीज़ें ये बड़ी नायाब किस्म की चीज़ें ये मतलब अपने मिनी जू में ला के रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एलिफेंट को यार हम किस तरह उसकी केयर करेंगे, उसकी केयर वगैरह भी इतनी मुश्किल होती है, तो ना हमें उसके बारे में कुछ हिलम कि यार वो क्या किस तरह उसकी केयर करनी है, वो इससे पहले तो हम ला ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारी सब्ज़ी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, अभी मतलब ये सारी मतलब ख़राब हो गई है पाव पत्ते सर्दी वगैरह, तो अभी मैंने अपनी पानी वगैरह दे दिया है सब्ज़ी वगैरह को। और दोस्तों, हमने ना मुफासा का घर वगैरह बनाया था, अब इसका सीन हमने ऐसा करना है क्योंकि यार मुफासा तो इसके अंदर जाता नहीं है, अब हम इस घर को तोड़ेंगे, तोड़ कर वो इस मुफासा के लिए भी अच्छा सा घर वगैरह बनाएंगे। शायद ये मुफासा को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मुफासा ने ये घर हमारा सेफ नहीं किया, तो उसके अंदर जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या क्यों डरता है, इसके अंदर जाते ही नहीं है। जैसे मतलब अंदर कुछ चीज़ वगैरह नहीं होती, जब एक दफ़ा पिछले ब्लॉग में याद होगा जब से आई थी, तो उस वजह से शायद डर गया, इस वजह से अंदर जाते ही नहीं है। इसको हम तोड़ेंगे और मुफासा के लिए अच्छा सा कोई मतलब वोट का कोई घर वगैरह बनाएंगे अपने मुफासा के लिए, अभी इंशाल्लाह हम सही करके बनाएंगे। और दोस्तों, साइड के ऊपर हम जो है सारे पौधे वगैरह लगाए, अभी बहुत सारे काम जो है बाकी है, वहाँ से मैंने घास वगैरह काट लिए, अभी वहाँ से उस साइड से रहते, तो इंशाल्लाह हम उस साइड पर भी कैजेस वगैरह बनाएंगे और इस साइड के ऊपर भी बनाएंगे। मेरा इस जगह पर बैठे हुए होते मतलब यकीन करें मैं बाहर भी नहीं जा सकता, छोड़ते नहीं, जब भी जाते कहते मुझे साथ लेकर जाओ। और दोस्तों, अभी ना मैं जा रहा हूँ यार ब्लॉक वगैरह लेकर आता हूँ, वहाँ पर अपने मिनी जू में ला के रखता हूँ, रेत वगैरह तो वो मैंने सामने ला के रखती है, इतनी काफ़ी रहेगी, और दरख्त वगैरह बाद में लगाएंगे इंशाल्लाह पौधे वगैरह। तो इंशाल्लाह यार अभी बहुत सारे काम मिनी जू में हमारे बाकी हैं, अब बर्ड्स नीचे आ चुके हैं, डव भी आ चुके हैं, बटेरे वगैरह भी आ चुके हैं, कबूतर बेचारा भी खा चुके हैं। दोस्तों, मेरा दिल क्या करता है कि यार आज ना इसलिए भी सब एक पार्टनर वगैरह हम ले कर आ जाएँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से अकेले डव के भी यार कोई ना कोई पैर लेकर आ जाते हैं, तभी इनके आगे मैंने पानी वगैरह डाले तो काफ़ी ज़रा भूखे हुए थे, दूसरा पानी यार ये गिरा लेते हैं। अब इंशाल्लाह मार्केट को जाएंगे, वहाँ से भी बड़े बर्तन लेकर आएंगे जिसमें मतलब एक दफ़ा बहुत सारा डाल दें हम, तो दूसरे थे वो टूट गए थे। और दोस्तों, आप हमारा वही रहा हमारा मास्टर के जवाब देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने हमने मटके वगैरह लगाई थी लेकिन बजीज में नहीं लेकर आ सका क्योंकि सुबह मुझे टाइम ही नहीं मिला, आपके सामने अब मिनी जू का काम वगैरह भी स्टार्ट हुआ है। मास्टर कैच का भी मेरा दिल करते पहले मिनी जू का काम वगैरह ख़त्म कर लें, उसके बाद आप अपने मास्टर कैच की तरफ आएँगे, क्योंकि आप पता है एक साथ मतलब इतने ज़्यादा काम नहीं देखने होते। तो चलें आगे मैं दाना वगैरह डाल देता हूँ, तांग इसको भी खाएँ, अभी सुबह का टाइम है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाओ आओ। ये दोस्तों, ये सब सुबह के टाइम में अब नहाने भी लग गए हैं, पानी भी पी रहे हैं। दोस्तों, अभी मैंने सोचा क्या है कि यार इस दीवार के साथ हम क्रेट वगैरह लगा लेते हैं इस तरह के, और ताकि उस और पिजन वगैरह और डॉग वगैरह ला के रखते हैं इसमें। प्लीज़ आप लोग क्या चाहते हैं कि इधर रखे जाएँ या अपने मिनी जू में रखे जाएँ, प्लीज़ कमेंट करके लाजमी आप लोगों ने बताने। आ जाओ जी डॉग, आ जाओ अपना खाना खाओ, आओ आओ खाओ आओ, आ जाओ पिजन भी आ रहा है फ्रेंड्स। ये तो सब पहले मुझसे बहुत ज़्यादा डरती थी, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती, मेरे साथ मतलब जब मैं इनके पास ही बैठा हूँ फिर भी खाती रहती हैं बैठकर, डरती नहीं है।
और दोस्तों यार मासे के क्या मसला ये है कि यहाँ पर मतलब बहुत बड़े सुराख हैं जहाँ से मतलब वो भाग सकती हैं। एक दफ़ा यहाँ से तो मतलब हमारी डव भी भाग चुकी है, बड़ी मुश्किल से इसको मैंने पकड़ा था। तो दोस्तों आज मैं सफाई वगैरह भी यहाँ से करता हूँ यार, इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह मचा ली है। तो ये आपस में लड़ाई करते रहते हैं, ये पिजन और ये डव वगैरह आपस में लड़ती रहती हैं, तो इस वजह से बस मर चुका है। तो दोस्तों अभी ना इसके साथ कोई पार्टनर वगैरह भी हम इसका लेकर आते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बेचारा अकेले है। अब समझ भी नहीं आ रही ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि इसका अगर इसी बात पता होती तो हम कब का ले आ चुके होते। आप लोग भाई सब लोग मिलकर लाजमी बताएंगे यार ये मेल रखें, प्लीज़ आप लोग उनमें लाजमी बताएं। इंशाल्लाह जिस चीज़ का आप लोग फिर बोलेंगे फिर वो वाली चीज़ इंशाल्लाह मिला के यहाँ पर रख देंगे, तो उनमें लाजमी बताएं आप सब भाई कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों पहले हमने ना मैं चाह रहा था कि यहाँ पर हम अपना मुफासा भी रखें, लेकिन मुफासा का यार यहाँ पर रखना बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर यो रे हरा ही नहीं सकता, क्योंकि फिर यहाँ पर आपको पता है हमारे बर्ड्स वगैरह मास्टर केज में होते हैं, उनको जाके तंग करते। तो दोस्तों इसी बसी को बंद कर लो, दाना वगैरह डाल दिया बस वो आ गए देखा है जैसे फिर उस वक्त बोलते। तो दोस्तों अभी मैंने सोचा क्या है कि यार अभी वैसे भी जो हमारे साथ टाइम हो चुके हैं, तो मेरा दिल करता है कि यार इसके साथ हम कोई पेयर वगैरह बना लें इसका। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लाजमी बताएं क्या हमें क्या करना चाहिए इसका। मेरा दिल तो ये मान रहा है कि यार इसके साथ इसकी फीमेल ले आए, ताकि ये इसके साथ ये पेयर वगैरह बना के यहाँ की ब्रीडिंग वगैरह कर सके। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताएँ। तो इंशाल्लाह फिर जिस तरह आप लोगों ने बोला फिर हम उस तरह कर लेंगे। दोस्तों मेरा दिल तो चाहता है कि इसको भी हम इसके साथ फीमेल वगैरह ले के आ जाएँ, और इनको दोनों को जो है हम अपने मास्टर केज में शिफ्ट कर लें, क्योंकि वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो मेरा दिल ये करता है, लेकिन फिर मसला ये है कि वो हमारे डव को तंग ना करें वहाँ पर, ऐसा ना कि और मसला बन जाए। मेरा ख़त्म हुई थी, तो आज देखिए हमारे जितने ही पौधे हैं सारे बिल्कुल लोग के एक्टिव हुए हैं। मतलब पहले गर्मी वाले दिन जो गर्मी वगैरह होती थी फुल, मतलब इनको काम इनका सीन जो था ख़राब हुए थे सारे, मतलब डिले हुए थे। बारिश वगैरह तो 3 दिन लगी रही, अब चेक करें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इनको जो है दोस्तों का जो पेंट था वो थोड़ा पुराना हो गया, वो इसको आज मैंने क्योंकि बाहर आपको बहुत सर्दी है बाहर बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने अभी इसको इधर ही रखा हुआ है। मैंने बोला यार ऐसा ना हो कि बाहर लेके जाऊँ तो बीमार हो जाए, तो अभी इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद अपने मिनी जू में आए हूँ। काफ़ी बोल रहे थे कि भाई आप अपने मिनी जू की रूटीन क्यों नहीं बताते। दोस्तों मिनी जू का अब ये हाल जो है ये बना हुआ है, पहले तो आपको याद होगा कि घास वगैरह यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था, तो अभी हमने ना यार यहाँ से घास वगैरह सारा काट लिए, ब्लॉक वगैरह भी अभी थोड़े से हमें और लेकर आने हैं। तो सो अभी केजेस का काम हम यहाँ से केजेस बनाना स्टार्ट करेंगे उस दीवार तक, और इधर से जो है उस दीवार वो सामने वाली दीवार